40 वर्षों से कोल्ड स्टोरेज की सेवाएं दे रहे हैं। ना डालो कोल्ड में, 50 जगह 25 कोल्ड डालेगा, 25 ठंडी में। 2020 जैसा माहौल कुछ बन रहा नहीं, उससे अच्छा भी बन रहा माहौल। अच्छा मिल रहा। जब किसी चीज कमी होती है तो खाने में चीज कम जाती है और गार्डन में ज्यादा आना। देख ले आया, अंदर हो गया आलू। अच्छा, क्योंकि महंगाई का समय है, देखना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूं आपके साथ राजीव। तो किसान भाइयों, इस समय है मुन्नी देवी कोल्ड स्टोरेज भवानी सराय में, और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्सियत जो लगातार 40 वर्षों से कोल्ड स्टोरेज की सेवाएं दे रहे हैं, और इस समय अगर बात की जाए तो मैनेजर साहब के रूम में नियुक्त हैं, तो बातचीत भी करेंगे। दादा का क्या अनुभव कहता है, क्या कोल्ड की स्थिति है, क्या कोल्ड स्टोरेज भरने की संभावनाएं बन रही क्षेत्र में, और क्या आलू का भविष्य रहेगा। तो बातचीत करते हैं, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? राधाकांत शुक्ला। शुक्ला जी, अगर जाना जाए अपने कोल्ड पे ही पहले बात कर लेते हैं, अपने कोल्ड में अभी की स्थिति में आलू लगभग कितना पहुंच गया है? हमारे यहाँ 80,000 बोरी पहुंच गई। 80,000, और क्षमता कितनी है कोल्ड की? क्षमता 2,75,000। 2,75,000। हम देख रहे हैं कि कोल्डों में कहीं 30,000 पहुंचा, कहीं 50,000, कहीं 1,00,000। क्या लग रहा है माहौल अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में, क्या कोल्ड कोई भरने की फुल संभावना है? कोल्डों की क्या उम्मीद है? कोल्ड में आलू 70% है पूरा आएगा। किसी में कितना आएगा समय बताएगा, मतलब फुल होने के बाद आस पास क्षेत्रों में कोई कोल्ड संभावना नहीं होंगे? 10-15% कोल्ड फुल हो जाएंगे, जिनका जो है बढ़िया हिसाब किताब है। बढ़िया है, तो आपने कहाँ तक उम्मीद है, कहाँ तक पहुँच जाएगा? अभी चल रहा है, अभी देखो यहाँ क्षेत्र खुदाई बाद में होती है, बाद में होती है, अभी इसलिए अनुमान नहीं लग रहा है, और खरीद भी बहुत तेजी हो रही है। अब खरीद का रुख कहाँ जा रहा है वो भी पता नहीं लगता है। अच्छा, माहौल इतना टाइट चल रहा है, हम देख रहे हैं कि भाव इतना तेजी में है, और कोल्डो में अगर देखी जाए तो कोल्ड अभी कोई कन्नौज में फुल नहीं हुआ है, तो क्या लग रहा है आगे चल के आलू का फ्यूचर क्या होगा, क्या आपकी उम्मीदें कर रही हैं? जो भाव इस समय मिल रहा है, क्या कोल्ड स्टोर 15% के किनारे हैं फुल होने के, जिला कन्नौज में 10-15 दिन की बढ़िया हिसाब किताब है, 10-15% फुल हो रहे हैं। फुल हो रहा है, तो अपने में अगर बात की जाए तो अभी आलू आना चालू है, अनुमान क्या कह रहा था? इस साल आलू क्या महंगा बिकेगा, क्या यही पोजीशन रहेगी? आलू महंगा तो बिकेगा, लेकिन यह है कि महंगाई की भी एक सीमा होती है, कितना महंगा बिकेगा। अब ये अभी 7-8 सौ रुपये कट्टी दिख रहा है, 800 नहीं तो 900 रुपया तक में कांटा पहुंच गया। कांटा क्या है, अब जब आदमी को मिलता नहीं है खाने के लिए जाना, कोल्ड के लिए खरीद, दो जगह खरीद हो रही इस समय, तो आदमी जो है जब खेत में लेने वाला पहुंच जाता तो सोचता रहा बेच लो, खर्चा ये ना डालो कोल्ड में, 50 जगह 25 कोल्ड डालेगा, 25 खेत में बेच लेगा। तो इस बार का खेत में बिछ रहा है आलू का? बहुत खेत में बिछ रहा है आलू। तो आपने कोल्डो में या व्यापारी वगैरह भी खरीद के तो डाल देंगे? व्यापारी खरीदते हैं, माहौल में क्या लग रहा है 2020 जैसा? कुछ लोग कह रहे हैं कि 2020 जैसा इस बार आलू का माहौल बन रहा है, तो क्या ऐसा लग रहा है 2020 जैसा माहौल कुछ बन रहा है? नहीं, उससे अच्छा भी बन सकता माहौल। अच्छा मिल रहा। जब किसी चीज कमी होती है तो खाने में चीज कम जाती है और गार्डन ज्यादा अगली बार ज्यादा गड़ेगा मैं लग रहा है भाई, जो नहीं गाड़ने वाला वो भी गाड़ेगा, अब खाने में कम जाएगा, खाने वाली पूर्ति हरी सब्जियां करेगी। अच्छा, कन्नौज में अगर पूरा किया जाए कन्नौज जिले का एवरेज, तो कन्नौज जिले में लगभग सभी कोल्डों का अनुमान लगाया जाए तो लगभग कितने परसेंट तक कोल्ड आपके अनुमान से बढ़ सकते हैं? अब ये तो टाइम मतलब एवरेज अगर माना जाए, वाली बात समझ पाएगा, ये वाली बात अभी नहीं कोई क्लियर कहा जा सकता। कई हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, कहीं का लोग कहीं ये नहीं पता लग पाता कि यहाँ का लोग कन्नौज जा रहा, उधर जा रहा, कन्नौज कानपुर जिले में जा रहा है, अपने क्षेत्र में आलू खुदाई वगैरह कब होगी? हमारे यहाँ करीब 20% अभी भाई, 20% नहीं 20-25% इस समय खुदाई है, और कई लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर, इधर लोगों खुदे पड़े हैं, भरे जा रहे हैं इस समय, उसके लिए अनुमान लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिला के कई लोगों के आलू खुदे पड़े हैं, और लगातार अगर बात की जाए तो कई लोग हैं जो कोल्ड में आलू लेके आ भी रहे हैं, और कोल्ड दिखाइए बारंदा, अगर दिखाएंगे तो भैया बारंदे में देखिए उतरने का कार्य लगातार चल रहा है, और उतरने के साथ साथ लोडिंग भी चल रही है, तो मैंने साहब लगातार लोडिंग का काम हमें लग रहा पूरे दिन चलता रहता है। टाइम है 10 बजे से 5-6 बजे तक चलता लोडिंग काम, 5-6 बजे तक चलता रहता है। उतरा उतराई जो सवेरे लग गया 10-11 बजे रात तक होती है, 11 बजे रात का आमदनी वगैरह क्या रहती चल रहा है? करीब 6,000 करीब, 5-6 हजार बोरी का, तो पर डे की आमदनी का भैया 5-6 हजार बोरी का है। आप दादा किसान है क्या? दादा नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू। कल्लू भैया, अगर जाना जाए तो क्या अपने क्षेत्र में आलू की खुदाई वगैरह क्या पोजीशन है? 20-25% है लगभग। दादा इस बार किसान आलू खेतों में बेच रहा है कि कोल्ड में सब डाल रहा है? नहीं, खूब बेच रहा है, और कोल्ड स्टोर भी जा रहा है।
तो क्या अनुमान लग रहा है इस साल? जैसे मान लो जो खेतों में बिक रहा है कंचना, तो 700 रुपया तक में बिकने लगा है, तो क्या लग रहा है 700 वाला आलू आगे चल के 1000 तक में कुछ बिकेगा, कुछ उम्मीद है क्या? ये तो बात नहीं जानी जा सकती, लेकिन उम्मीद पे ही सारे काम होते हैं। उम्मीद पे ही सारे काम होते हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए तो उम्मीद पे ही सारे काम होते हैं। तो चलिए भैया आगे दिखा देते हैं, आगे अगर देखेंगे तो आगे देखिए कोल्ड में दिखा भी दीजिए। देखिए अगर कोल्ड में देखें लगातार जो है लोडिंग का कार चल भी रहा है, कुछ जगह लोडिंग हो भी गई। देखिए आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो में, और वीडियो बने रहिएगा। अभी देखिए इधर अगर देखेंगे तो लगातार लोडिंग का काम कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये देखिए चल रहा है। ऑटोमेटिक तरीके से भी कुछ जगह चल रहा है, कुछ जगह मैनुअल भी चल रहा है। ये देखिए ये पूरे कोल्ड की स्थिति है किसान भाइयों, आलू जैसे ही आता वैसे ही देखिए लोडिंग का काम चल रहा है। क्या भैया अच्छा आलू लाए हैं क्या? कितने पे किलो लाए हैं? कल लाए थे, आज देख रहे हैं अंदर हो गया आलू। अच्छा, क्योंकि महंगाई का समय है, देखना भी जरूरी है। अंदर हो गया अपना की? जी जी हो गया। तो ज्यादा दिन अगर बाहर लगा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत हो जाती है, 5 साल फुल लाटे डेबिट हो गई थी पिछले साल। तो ये भी कहीं ना कहीं महंगाई के समय पे किसानों की एक जिम्मेदारी होती है कि भैया अपने आलू को सुरक्षित भी रख लो। तो दादा अपने क्षेत्र में बताइए खुदाई वगैरह क्या पोजीशन है? खुदाई लगभग हमारे यहाँ हो गई 80% लगभग हो गई है। 80% हमारे 80% हो गई, 20% बचा होगा और हो गया। तो क्या अनुमान लग रहा है कोल्ड वगैरह भरेंगे? नहीं भरेंगे, कोई उम्मीद नहीं है भरने की। खाली रहेगा मामला? खाली रहेगा, काफी कोल्ड है यहाँ, कोल्ड स्टोर काफी है और नहीं भर पाएंगे। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 1 लाख कार्ड कर लेगी, पूरी 1.25 लाख तक और नहीं भर पाएंगे, बाकी सब पीछे रहेंगे। पीछे रहेंगे भैया, अच्छे रिकॉर्ड वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कर पाएंगे। और इधर अगर देखें तो भैया लोडिंग का काम लगातार ये लोग कर रहे हैं। तो भैया ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है क्या यहाँ? यही जा रहा होगा, ये ऑटोमेटिक लगा है, ऊपर चला जाता है, जब ऊपर जाते हैं लाटे के तब जाता है, ऊपर जाते हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल में। और कोल्ड स्टोरेज की अगर बात की जाए तो मुन्नी देवी कोल्ड स्टोरेज भवानी धराई का अपडेट है। और आज की जिस तरीके से मैंने ने बताया इतने पैकेट पहुंचे, अगर बात की जाए तो कोल्ड स्टोरेज भरने की संभावनाएं फिलहाल में इस क्षेत्र में नहीं है। किसी कोल्ड की एक आध कोल्ड शायद भर जाए, इस कोल्ड की तो फिलहाल में जिस तरीके से मैंने बताया जितनी बोरी आई उसी स्थिति के हिसाब से लगता है कि कोल्ड स्टोरेज लगभग में 70% के आसपास पहुंच सकता है। तो आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।